गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री छठवां अध्याय। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जितने लोग शारीरिक दिखाव चाहते हैं वे तुम्हारे खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाएं। क्योंकि खतना कराने वाले आप तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना कराना इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। और जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इसराइल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन।